2024 के लिए प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ काम कर सकते हैं, प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस को जिताने के लिए प्रशांत किशोर ने 600 पेज का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इन सबकी चर्चाएं जोर शोर से सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच होने वाली डील में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। सुनने में आया है कि प्रशांत किशोर से सोनिया गांधी ने वादा मांगा है कि वो जब कांग्रेस के लिए काम करेंगे तब किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। इस बीच कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर की डील टूटने और डील बने रहने दोनों के संकेत मिल रहे हैं। सब कुछ सूत्र वाली जानकारी है, किसी ने ना तो कुछ कंफर्म किया है ना डिनाई किया है। कंफ्यूजन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक ने तेलंगाना में सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के साथ काम करने का फैसला किया। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ही चंद्रशेखर राव के खिलाफ मेन ऑपोजिशन है। हड़कंप तो मचना ही था क्योंकि जब प्रशांत किशोर के साथ 2024 में काम करने वाले हैं वो, तो फिर किसी रीजनल ऑपोजिशन के साथ डील कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी मणिकम टैगोर ने हलचल मचते हुए ट्वीट दे मारा कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति का भरोसा मत करो जो आपके दुश्मन का दोस्त हो। वहीं जाने माने उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भी चुटकी ली। वर्ड प्ले करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, प्रशांत किशोर ने बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया है। क्या ये उन्हें पॉलीगैमिस्ट बनाता है? अंग्रेजी में पॉलीगैमिस्ट उसे कहते हैं जिसकी कई बीवियां हों। दूसरा कंफ्यूजन इससे पैदा हुआ कि खबरें निकली कि प्रशांत किशोर हैदराबाद गए थे, चंद्रशेखर राव से मिले और उनके घर नाइट स्टे भी किया। प्रशांत किशोर और चंद्रशेखर राव पुराने दोस्त हैं, इसलिए नाइट स्टे से दोस्ती के प्रोफेशनल डील को लेकर चर्चाएं गर्म हुई। ऐसा कुछ हुआ भी तो चंद्रशेखर राव के लिए प्रशांत किशोर अनमोल साबित हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जांचे परखे स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तेलंगाना के पड़ोस आंध्र प्रदेश में प्रशांत किशोर ने वाईएसआर कांग्रेस के सीएम जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया था और उनकी जीत पक्की कराई। अब एक नया एंगल भी है जिसमें बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट वाली कहानी सूत्रों से ये पता चल रही है कि टीआरएस के साथ आईपैक ने डील तो डन की ही है, लेकिन प्रशांत किशोर के बिना। इसका मतलब ये है कि आईपैक के साथ प्रशांत किशोर अब नहीं है। आईपैक के को-फाउंडर ऋषि सिंह तेलंगाना वाले ऑपरेशन को लीड करेंगे। बंगाल चुनाव के वक्त से प्रशांत किशोर इशारे देने लगे थे कि वो प्रोफेशनल कंसल्टिंग छोड़कर फुल टाइम राजनीति में आना चाहते हैं। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तभी से लग रही हैं। कांग्रेस के पुराने नेता लगातार प्रशांत किशोर के स्वागत में बयान दिए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का जहां सवाल है, वे एक अनुभवी राजनीतिक पर्सनैलिटी रहे हैं। उनको पूरे देश के बारे में, उन्होंने विभिन्न पार्टियों के साथ काम किया और अगर वे देख रहे हैं कि कांग्रेस ही देश का भविष्य है और कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या खराब है। आज वो केवल एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे, उनकी बहुत सारे, उनका जो अनुभव है, कांग्रेस अभी तय नहीं है पर अगर ऐसी स्थिति बने तो कांग्रेस को उनसे लाभ उठाना चाहिए। अगर तेलंगाना में टीआरएस के साथ प्रशांत किशोर काम नहीं कर रहे हैं तो इससे कांग्रेस के साथ होने वाली डील थोड़ी और पक्की होती दिखेगी। कांग्रेस को पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात है जिसके लिए सोनिया गांधी को जरूर पैनिक में होना चाहिए। अब तक प्रशांत किशोर की बुद्धि राजनीतिक कौशल के पीछे होती थी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक का ग्राउंड वर्क। आईपैक को प्रशांत किशोर ने 2014 के चुनाव के बाद खड़ा किया था। आईपैक का काडर था जो ग्राउंड लेवल पर काम करता था और फीडबैक देता था। अब प्रशांत किशोर के साथ आईपैक काम नहीं करेंगे तब कहां से आएगा फीडबैक, कौन करेगा ग्राउंड वर्क? क्या इंडिविजुअली प्रशांत किशोर कांग्रेस को 2024 में मोदी शाह की जोड़ी को हरा पाएंगे? कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा जो ये समिति निर्धारित की गई है, इसका लक्ष्य या अधिकार क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष को
कांग्रेस में शामिल करना नहीं, मैंने उसका अधिकार क्षेत्र आपको बताया। संगठन कैसे मजबूत हो, चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे हो, प्रांतीय और 2024 के चुनाव और बेहतरीन तरीके से कैसे लड़े जाएं, जहां जहां जरूरत पड़ी, श्री प्रशांत किशोर जी ने कुछ सुझाव दिए थे, हमने उनको बुलाकर उनसे भी इस बारे में मंत्रणा की। आईपैक से प्रशांत किशोर के अलग होने के कुछ और इशारे भी हैं। हमने आईपैक की वेबसाइट indianpack.com की रिसर्च की, वेबसाइट से लगभग प्रशांत किशोर गायब दिख रहे हैं। आईपैक के डायरेक्टर्स की लिस्ट में उनका नाम और फोटो नहीं है। आईपैक में अब 3 डायरेक्टर्स हैं, ऋषिराज सिंह, प्रतीक जैन और विनेश चंदेल। प्रशांत किशोर की मौजूदगी इतनी ही है कि उनके इंटरव्यू, उन पर लिखे आर्टिकल्स मीडिया सेक्शन में दिख रहे हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट mca21.gov.in पर भी प्रशांत किशोर का नाम डायरेक्टर्स की लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं समझना चाहिए कि प्रशांत किशोर ने अपनी लाइन तय कर ली है? कांग्रेस के लिए उन्होंने अपनी कंपनी, अपने आईपैक से नाता तोड़ लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब बिना 3-13 किए पीके के कांग्रेस में शामिल होने का टाइम आ गया है। संभव है वो इसी महीने औपचारिक रूप से कांग्रेस की टोपी पहन ले। सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को 2 मई तक का समय दिया है कि तय कर लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि अब प्रशांत किशोर की ऑफिशियल किसी भी रूप में अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसलिए कंफ्यूजन, सस्पेंस बना रहेगा।